भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार राकेश मिश्रा अब अभिनेता से नेता बनने की कगार में एक और कदम आगे बढ़ा लिया है। जी हां, कुछ दिन पहले ही राकेश मिश्रा ने पप्पू यादव की पार्टी जन अधिकार पार्टी में शामिल हुए थे और अब वो सापर विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए नामांकन भी भर लिया है। और ऐसे में अब सवाल उठ रहा है कि क्या भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री के कई बड़े कलाकार राकेश मिश्रा के चुनाव प्रचार में नजर आएंगे। जी हां, तो अब ऐसा ही देखने को मिलने वाला है। जी हां, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि भोजपुरी फिल्मों के पावर स्टार पवन सिंह, जी हां पवन सिंह, राकेश मिश्रा के चुनाव प्रचार में नजर आने वाले हैं। जी हां, आरा के रहने वाले पवन सिंह भी हैं और आरा के रहने वाले राकेश मिश्रा ही हैं और दोनों में काफी ज्यादा अच्छा रिलेशन है। तो ऐसे में खबर आ रही है कि राकेश मिश्रा के चुनाव प्रचार में पवन सिंह राकेश मिश्रा के लिए वोट मांगने वाले हैं। जी हां, राकेश मिश्रा और पवन सिंह ने कई सारी फिल्में एक साथ किया है और सारी की सारी फिल्में भोजपुरी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट का डंका बजा चुकी है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या पवन सिंह राकेश मिश्रा के लिए वोट मांगते हुए शाहपुर विधानसभा के गलियों में नजर आएंगे। अभी तक तो ऐसा देखने को ही मिलने वाला है। जी हां, सूत्रों से हवाले से खबर आ रही है कि पवन सिंह 22 तारीख को, जी हां 22 अक्टूबर को शाहपुर विधानसभा में राकेश मिश्रा के साथ वोट मांगते हुए नजर आने वाले हैं। हालांकि आपको बता दें कि अभी तक पवन सिंह या फिर राकेश मिश्रा की टीम की तरफ से कोई भी ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं किया गया है कि पवन सिंह वोट मांगने वाले हैं, लेकिन इस समय राकेश मिश्रा बड़े ही जोर शोर से चुनाव प्रचार करते हुए नजर आ रहे हैं और अपनी रैली को सोशल मीडिया पर लाइव करते हुए दिख रहे हैं और साथ ही साथ उनके फोटोग्राफ काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर बवाल मचा रहा है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या वाकई में ही राकेश मिश्रा शाहपुर विधानसभा चुनाव जीत पाएंगे और विधायकी का चुनाव में जंग जीत पाएंगे, या तो चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चल पाएगी। लेकिन इस समय राकेश मिश्रा का जलवा सोशल मीडिया पर बखूबी देखने को मिल रहा है। भोजपुरी गॉसिप से राव शर्मा की रिपोर्ट। भोजपुरी की चटपटी और मसालेदार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें भोजपुरी गॉसिप्स।